मैच नंबर 33 खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। मैच होगा 1 नवंबर को और गाइस दोनों बड़ी टीम है तो इस मैच में डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। इंग्लैंड 3 मैचेस खेले, एक मैच जीता, एक मैच हारा है और एक मैच बारिश की वजह से हो ना सका। वहीं न्यूजीलैंड ने भी 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते और एक मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ। तो अभी बात करते हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसे है दोनों टीम्स का, और मैं आपको बताऊंगा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिससे आपका मैच देखने का मजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बोथ द टीम्स हैव फेस्ड ईच अदर इन 22 टी20 मैचेस सो फार। इंग्लैंड जीता है 13 टाइम्स, 8 टाइम्स जीता है न्यूजीलैंड और एक मैच का को रिजल्ट रहा। अब देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है न्यूट्रल वेन्यूज पर। तो 6 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, 3 बार जीता इंग्लैंड और 3 बार न्यूजीलैंड। मैच खेला जाएगा ब्रिस्बेन में। अगर यहाँ के पिच की बात करें तो पिच में पेस होगा, बाउंस होगा, तो पेसर्स को यहाँ पर मजा आएगा और बैटर्स और बॉलर्स दोनों को सपोर्ट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स दैट दीस बॉलिंग प्लेयर्स वुड अचीव इन दिस मैच। जॉस बटलर इज जस्ट 1 मैच अवे फ्रॉम अपीयरिंग इन 100 टी20 मैचेस। डेवॉन कॉनवे इज जस्ट 1 मैच अवे फ्रॉम अपीयरिंग इन 50 इंटरनेशनल मैचेस। केन विलियमसन रिक्वायर्स 80 रन्स टू कंप्लीट 16,000 रन्स अक्रॉस 4 मैच। सैम करन रिक्वायर्स जस्ट 2 विकेट्स टू कंप्लीट 100 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंग्लैंड की तरफ से इस मैच में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन डेविड मिलान। अगर शुरुआत में कोलैप्स होता है तो इनके पास एबिलिटी है, ये इनिंग्स को संभाल सकते हैं, और अगर पावर हिटिंग चाहिए तो ये वहां पर भी लाजवाब है, तो इंग्लैंड के फैंस को इनसे काफी उम्मीदें होंगी। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन टिम साउथी। न्यूजीलैंड को कई बड़े मैचेस में जीत दिला चुके हैं तो इस मैच में इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर की बैकबोन को तोड़ने की रिस्पांसिबिलिटी होगी टिम साउथी पर। इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लेयर्स बैटल, जॉस बटलर वर्सेस एस सोडी। जॉस बटलर ने एस सोडी की 14 डिलीवरीज को फेस किए, 22 रन किए एंड 3 टाइम्स एस सोडी गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। डेविड मिलान वर्सेस एस सोडी। डेविड मिलान ने एस सोडी की 58 डिलीवरीज को फेस किए, 105 रन किए और 2 बार एस सोडी ने विकेट लिया है डेविड मिलान का। एलेक्स हेल्स वर्सेस मिशेल सैंटनर। एलेक्स हेल्स ने मिशेल सैंटनर की 24 डिलीवरीज को फेस किए, 27 रन किए एंड 2 टाइम्स मिशेल सैंटनर गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। डेविड मिलान वर्सेस मिशेल सैंटनर। डेविड मिलान ने मिशेल सैंटनर की 35 डिलीवरीज को फेस किया, 49 रन किए और 2 बार मिशेल सैंटनर ने विकेट लिया है डेविड मिलान का। जेम्स नीशम वर्सेस आदिल राशिद। जेम्स नीशम ने आदिल राशिद की 8 डिलीवरीज को फेस किए, 12 रन किए एंड 1 टाइम आदिल राशिद गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। और अब देखते हैं इंग्लैंड का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। कैप्टन जॉस बटलर के साथ ओपनिंग करेंगे आदिल राशिद, फॉलोड बाय डेविड मिलान, उनके बाद नंबर आता है बेन स्टोक्स का, फिर आएंगे लियाम लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक, सैम करन, मोइन अली, क्रिस वॉक्स, आदिल राशिद एंड मार्क वुड। इंग्लैंड के बाद अब देखते हैं न्यूजीलैंड का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। डेवॉन कॉनवे के साथ ओपनिंग करेंगे फिन एलन, फॉलोड बाय कैप्टन केन विलियमसन, उनके बाद नंबर आता है क्लेन फिलिप्स का, फिर आएंगे डेरल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सैंटनर, एस सोडी, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट एंड लॉकी फर्ग्यूसन। तो गाइस मैंने आपको बताया हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल, पिच रिपोर्ट। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन बाजी मारेगा, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। और गाइस टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया ना तो गाइस एक बार होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।